थाने के करीब मुमरा के बाईपास के पास टाटा पावर की हाई टेंशन के खंभे के पास भूस्खलन होने से टाटा पावर द्वारा इस जगह पर मरम्मत कार्य शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि यह भूस्खलन कल देर शाम से हो रही है, बरसात के कारण हुआ और इसकी जानकारी लगते ही टाटा पावर के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। तेज बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि टाटा पावर के खंभे के पास VIT खलन हुआ था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 11,000 वोल्टेज का ये हाई टेंशन वायर शहर से होते हुए पहाड़ी तक गया और यहीं पर यह घटना बताई जा रही। पत्थर जो नीचे की तरफ लटके हुए थे उन सभी को हटाया जा रहा है और इसी वजह से मुमरा बाईपास का एक तरफ का रास्ता भी सुरक्षा की दृष्टि के तौर पर बंद कर दिया गया। हालांकि एक तरफ के रास्ते पर दोनों दिशाओं की गाड़ियों को आने जाने दिया जा रहा है। पहाड़ी पर जिस जगह पर टाटा पावर का खंभा था वहां पर चारों तरफ से दीवार बनाकर चौतरा बनाया गया और एक तरफ की दीवार जो उठाई गई थी वहां गोनी फिलहाल तौर पर सरकार रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की तरफ से की बारिश के बाद जो है यहां पर दीवार बनाई जाएगी। फिलहाल लगातार हो रही बरसात के कारण मिट्टी से गोनी भरी हुई है, रेतियां रखी जा रही है।